नमस्कार, खबर अभी तक की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नासिर कुरैशी। कांग्रेस पार्टी का अपने आप को लेकर यह कहना है कि कांग्रेस एक बहुत बड़ा समुंदर है और इस समुंदर में बहुत सारी नदियां आकर मिलती हैं और इस समुंदर से कुछ कतरे पानी के निकाल लिए जाएं, कुछ पानी निकाल लिया जाए तो कोई कमी नहीं होती। और लगातार कांग्रेस के संगठन को हरियाणा में मजबूत करने की कोशिश हो रही है। संगठन किस तरह से मजबूत किया जाएगा और कांग्रेस पार्टी आने वाले वक्त में अपने आप को कहां पर देखती है, इन तमाम सवालों के जवाब देने के लिए और हमसे खास बातचीत के लिए मौजूद हैं हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान जी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर अभी तक पर। धन्यवाद उदय भान जी। अभी विधायक दल की मीटिंग हुई, कभी चिंतन शिविर होता है, मंथन होता है, तो कितना फायदा हो रहा है, किस तरह का चिंतन हो रहा है, किस तरह का मंथन हो रहा है कांग्रेस के लिए? आपने देखा कि जिस तरह से चिंतन शिविर में जो आउटकम हुआ उसका, जिस तरह से उसमें प्रस्ताव पारित हुए और जो बेहतरीन पहली बार हरियाणा कांग्रेस की तरफ से इस तरह का चिंतन शिविर यहाँ पर हुआ था और सभी विधायक उसमें आए थे, एक करण चौधरी को छोड़कर सभी लोग यहाँ पर उपस्थित थे और बहुत बेहतरीन उसका परिणाम निकले। उसके बाद में 5 अगस्त को जो महंगाई के खिलाफ हमारा प्रदर्शन था, वो सारे भारतवर्ष में और हरियाणा प्रदेश के हर जगह, हर जिले में बहुत प्रभावी ढंग से हमने सब वो किया। और उसके अलावा फिर अब 9 अगस्त से जो 15 अगस्त का जो आज़ादी गौरव यात्रा निकालनी थी, जो हमारा उदयपुर चिंतन शिविर हुआ था 15 मई 2022 को, जो उदयपुर डिक्लेरेशन था उसके अनुरूप में, और जो चिंतन शिविर में भी वो डिस्कस हुआ था, और 9 अगस्त से 15 अगस्त तक हर विधानसभा पूरे ज़िले में जहाँ 75 किलोमीटर की यात्रा निकालनी थी उससे भी अधिक, और इतना बेहतरीन उसका रिस्पॉन्स आया, आपने देखा होगा सभी तरफ से, तो कांग्रेस पूरी तरह से आज सड़क पर है, आज आंदोलित है इस सरकार के खिलाफ, और जो जनता का जो भारी जन समर्थन मिला उसके लिए हमने जनता का भी धन्यवाद किया और कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद। आज कांग्रेस ही कांग्रेस में नज़र आ रहा है पूरा हरियाणा, और निश्चित तौर से आगे आने वाले समय में ये पूरी तरह से ये स्पष्ट संकेत हैं इस आज़ादी गौरव पदयात्रा से कि पूरी तरह से स्पष्ट संकेत मिल रहे हैं कि भाजपा जा रही है और कांग्रेस पार्टी आ रही है। जब हरियाणा दिवस का वक्त आएगा तो फिर आप हरियाणा बचाओ एक अभियान शुरू करने वाले हैं, लेकिन विरोधी पार्टियों का, विरोधी नेताओं का ये कहना है कि हरियाणा बचाओ तो दूर, पहले कांग्रेस अपने आप को बचा ले। कांग्रेस अपनी जगह पूरी तरह से सुदृढ़ है, मजबूत है, जो विरोधी दल हैं वो अपने आप को पहचाने कि वो कहाँ तक हैं, उनके अंदर कितना आपस में मतभेद है, किस तरह से, ये कोई बताने की जरूरत नहीं है, सब जगह कांग्रेस अपने आप में पूरी तरह से मजबूत है और पूरी तरह से तैयार है। जब आपने कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में जिम्मेदारी संभाली, काफ़ी कशमकश वाला वक्त था, काफ़ी उठा पटक नज़र आई, काफ़ी दिन तक कशमकश चलती रही, तो आपने कांग्रेस को कहां पर पाया, संगठन को कहां पर पाया और अब तक कितना परिवर्तन कर पाए? 1 मई को पहली रैली हुई थी फरीदाबाद के अंदर, जो अब तक फरीदाबाद का सबसे जो रिकॉर्ड रैली हुई, बहुत तो इतना भारी संख्या में लोग बाग पहुँचे। और 4 तारीख को जब हम यहाँ पर चार्ज लेने के लिए आ रहे थे 4 मई को, तो उस दिन जो हुजूम जो सड़कों पर जो था, लगभग 40 से अधिक स्थानों पर जगह जगह भव्य लोगों का जो जनसमूह उमड़ रहा था स्वागत के लिए और धन्यवाद के लिए, उसी दिन ये स्पष्ट संकेत हो गए थे कि कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूत दिशा में जा रही है। जहाँ तक संगठन की बात है, जो 8 वर्ष तक संगठन नहीं बन सका था, अभी वो संगठन बहुत जल्दी डिक्लेयर होने वाला है। कितनी जल्दी और कितना आसान आपको लगता है? आप जब अध्यक्ष बने तो तभी से कुलदीप बिश्नोई नाराज हैं और आखिरकार उनको कांग्रेस छोड़कर जाना पड़ा और उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने तो मेरे साथ धोखा किया है। कुलदीप बिश्नोई की विश्वसनीयता क्या है वो आप समझ सकते हैं कि कुलदीप बिश्नोई ने कुछ दिन पहले जब बीजेपी से इनका तलाक हुआ था तब क्या क्या कुछ नहीं कहा था बीजेपी के बारे में, लोगों से आह्वान किया था कि किसी को भी वोट दे देना, किसी से भी विश्वास कर लेना, लेकिन भाजपा पर कभी भी विश्वास नहीं करना। आज वो कुलदीप बिश्नोई कहाँ है? बीजेपी से वो पहले हचका बनाई, फिर बसपा से समझौता किया, फिर बीजेपी से समझौता किया,
ये लुढ़कने लोटा की तरह घूमने वाला, इसने तो अपने पिता श्री चौधरी भजनलाल की गरिमा को भी कम किया है और इस शख्स ने कभी भी आदमपुर की आवाज़ विधानसभा में नहीं उठाई, कोई सवाल विधानसभा में कोई नहीं किए सरकार से। ये तो एरिस्टोक्रेट आदमी है, 6 महीने तो विदेश में रहता है, 6 महीने यहाँ रहता है, टेलीफोन किसी के उठाता नहीं, तो इसको तो ये सिर्फ और हुड्डार उदयवान तो बहाना था, असल तो काला धन बचाना था सारा जो ईडी की वजह से हो रहा था। लेकिन वो तो दावा कर रहे हैं और चुनौती दे रहे हैं कि भूपेन सिंह हुड्डा में, अगर उनका उनके अल्फाज हैं कि अगर उनमें दम है तो फिर मेरे या मेरे बेटे के खिलाफ चुनाव लड़कर दिखाएं, तो पूरी कांग्रेस को भूपेन सिंह हुड्डा को चुनाव वो मेरे खिलाफ चुनाव लड़कर दिखाएं और मुझे हरा कर दिखाएं, राजनीति से संन्यास चुनाव डिक्लेयर होने दो और हुड्डा साहब से तो वो क्या लड़ेगा। हुड्डा साहब का जो एक भी कोई भी सामान्य कार्यकर्ता उसको हराने में सक्षम है, हुड्डा साहब क्यों लड़ेंगे। हुड्डा साहब पहले ही प्रतिपक्ष के नेता हैं, हुड्डा साहब पहले ही विधायक हैं, एक और इलेक्शन कराएं किस लिए, और हुड्डा साहब से किस किस चीज़ में। अभी कल परसों तो हुड्डा साहब के ये जा करके गलबैया कर रहा था कि मुझे अध्यक्ष बनवाओ, मुझे अध्यक्ष बनवाओ, इसको तो दौरे पड़े हुए थे अध्यक्ष के लिए, और अंदर अपने आप में भी कुछ होना चाहिए। और फिर सब चीज़ जो है ना, इनको इतना भारी सम्मान दिया CWC में, इसको स्पेशल इन्वाइटी करके पार्टी ने इसको इतना सम्मान दे रखा था, और फिर अगर इसमें गरिमा होती तो पहले त्यागपत्र देता, बाद में ये लोगों से अपना लेकर के मैंडेट तभी BJP में जाता। इसने तो पार्टी की पीठ में छुरा घोंपा, आदमपुर की जनता के साथ विश्वासघात किया, धोखा दिया। और ये भी कहते हैं कि उदय भान जी को इसलिए अध्यक्ष बनवाया गया कि हुड्डा साहब कांग्रेस पर पूरी पकड़ रखना चाहते हैं, उदय भान वही करेंगे जो हुड्डा साहब कहेंगे, अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते। हुड्डा साहब सर्वमान्य नेता हैं पूरे हरियाणा प्रदेश के, इसमें किसी का कोई होना नहीं चाहिए, कोई भी शक शुबा किसी तरह से। जहाँ तक मुझे जिम्मेदारी पार्टी ने दी है, मुझे पार्टी ने दी है जिम्मेदारी संगठन को चलाने की, मैं संगठन चलाऊंगा, मेरा फर्ज होगा कि मैं सरकार को सत्ता में लेकर के आऊं, पार्टी को सत्ता में लेकर के आऊं, ये मेरी जिम्मेदारी है। और जहाँ तक है, मैं मेरे परिवार के 95 साल की राजनीति है, 4 बार मैं विधायक बना हूँ, 2 बार पिताजी मेरे विधायक रहे हैं, मैं क्रिप्को का चेयरमैन रहा हूँ, जिस समय चेयरमैन था उस समय हरियाणा का बजट के बराबर मेरा बजट था, मुझे संगठन का अनुभव है, मुझे प्रशासनिक अनुभव है, मुझे ये, मैं इंडिपेंडेंट भी चुनाव जीता जब इनके पिताश्री ने एक साजिश के तहत मेरा टिकट कटवा दिया था 2000 में, और जिसको टिकट मिली थी उसके सिर्फ 4000 वोट आई, मैं 50% से ज़्यादा इंडिपेंडेंट 50% से ज़्यादा वोट लेकर के जीता था। तो ये कहाँ स्टैंड करते हैं, ये कुलदीप बिश्नोई कोई मेरे से ज़्यादा अहमियत नहीं रखते, इतनी अहमियत इनकी इतनी है कि इनके पिताश्री जो है वो 12.5 साल मुख्यमंत्री रहे और उन्हीं के नाम का खा रहे हैं, उन्हीं के नाम का खा रहे हैं, जो भी है अभी तक इनका अपना कुछ नहीं है, अपना कोई लोगों के साथ में ठगे हुए महसूस करते हैं भाई किस तरह से ये चौधरी भजनलाल। आप ये कह रहे हैं कि उदय भान पूरी तरह से, उनको पूरी छूट है, उनको पूरा अधिकार है कि वो कोई भी फैसला कांग्रेस के संगठन में ले सकते हैं, उसमें किसी की आपको ज़रूरत नहीं है। नहीं, बिल्कुल संगठन में क्यों नहीं लेंगे फैसला, और सबसे सलामत जो सीनियर लीडर्स हैं सबको विश्वास में लेकर के फैसले लिए जाते हैं, कोई तानाशाही है कि जो मैं जिसको चाहूँ मैं उसको ले लूँ, ये कोई NLO थोड़ी है, जिसको चाहे उसको भगा दो, जिसको चाहे उसको ले लो, ये हमारी लोकतांत्रिक पार्टी है, हमें सबको विचार विमर्श में लेकर के जो सबको सम्मान देना पड़ता है सारे कार्यकर्ताओं को, सबको साथ में लेकर के चलेंगे, आज सारी पार्टी एकजुट है। एकजुट कहाँ उदय भान जी, किरण चौधरी एक विधायक दल की बैठक में नहीं आई, इसके अलावा उससे पहले वो बैठक में नहीं पहुंची, उससे पहले वो छत्तीसगढ़ नहीं गई किरण चौधरी, और वो एक आपको भी मालूम है कि उनका एक प्रोग्राम चल रहा है किरण आपके द्वार, और कांग्रेस का एक प्रोग्राम चल रहा है विपक्ष आपके द्वार, कांग्रेस का प्रोग्राम कौन सा है, विपक्ष आपके द्वार और किरण आपके द्वार, कांग्रेस कहीं नहीं है। कांग्रेस का जो है जो विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम है, हाँ विपक्ष आपके समक्ष, हाँ बिल्कुल कांग्रेस पार्टी का प्रोग्राम है, और जहाँ तक किरण चौधरी का है, अगर वो प्रोग्राम हर एक को जाना चाहिए जनता के बीच में, अगर वो किरण आपके द्वार आ रही है तो इसमें किसको ऐतराज है, वो भी पार्टी को मजबूत कर रही है। लेकिन वो विपक्ष आपके समक्ष से अलग चलकर अपने आप को साबित कर रही है, उनका कहना है कि कांग्रेस में मुझे किसी की जरूरत नहीं है, वो भी तो पार्टी के लिए काम कर रही है,
और भी कोई करे, हमें कोई ऐतराज नहीं। इससे आपको नहीं लगता कि फर्क पड़ता है? नहीं, इससे गलत मैसेज जाते हैं? कोई गलत मैसेज, आप एक तरफ कोई, की बात कोई गलत मैसेज नहीं जाते, सारी पार्टी एकजुट है और एक करण चौधरी ही नहीं है, विधायक और भी हैं, 30 विधायक हैं जिनमें से एक करण चौधरी है, 29 विधायक सारे शिविर में पहुंचे थे, आपको पता है, और अभी भी सारे आए थे। अगर करण चौधरी अपना प्रोग्राम कर रही है तो वो भी पार्टी के लिए काम कर रही है, हमें कोई ऐतराज नहीं। राज्यसभा चुनाव में एक बड़ा झटका लगा आप लोगों को, कांग्रेस को, पूरी उम्मीद थी और लोगों को भी लग रहा था कि कांग्रेस थोड़ी सी अपनी मेहनत आपने पूरी कोशिश की, ट्रेनिंग दी गई और थोड़ा सा और बेहतर तरीके से एक रणनीति बना ली जाती तो सीट आपके पास होती, लेकिन उसके बाद फिर करण चौधरी को लेकर भी काफ़ी शक शुबा हुए और सवाल उठने लगे, आपकी पार्टी के अंदर से विधायकों ने खुलकर बोलना शुरू कर दिया कि उस चेहरे को भी सामने लाएं जिसने ऐसा किया है, तो क्या आएगा कभी वो चेहरा सामने? क्या कांग्रेस पार्टी किसी तरह की एक और कार्रवाई कर सकती है जैसे कुलदीप बिश्नोई पर की गई? इसके बारे में बहुत बार विस्तार से काफ़ी चर्चा प्रेस में भी हो चुकी है और हमने पूरा जो हमारा हाईकमान है इस सारे प्रकरण से परिचित है। हमारे जो राज्यसभा के कैंडिडेट थे उन्होंने भी काफ़ी विस्तार के साथ प्रेस को साथ में बताया था, वो सारी चीज़ हाईकमान के संज्ञान में, वो चर्चा उसमें चल रही है, जो भी निर्णय लेगा हाईकमान उसमें निर्णय लेगा, उसमें हमारा कोई प्रदेश स्तर पर उस पर कोई नहीं होना। अभी कुछ और नेता, जिस दिन कुलदीप बिश्नोई शामिल हुए थे तो ओम प्रकाश धनखड़ का ये कहना था कि कुछ और भी कांग्रेस के नेता हैं जो अपनी अंतरात्मा की आवाज़ जल्द सुनने वाले हैं और जल्द वो हमारे साथ जुड़ जाएंगे और कांग्रेस में तो आजकल नेता घुटन महसूस कर रहे हैं। आपने देखा कि 11 XMLA जो BJP के कांग्रेस में आए हैं, हमेशा जो ये चलता है कि सत्ता की मलाई खाने के लिए सत्ता की तरफ भागते हैं, सत्ता की तरफ भागते हैं और सत्ता को छोड़ करके जो कांग्रेस की तरफ आ रहे हैं, तो ये सीधा स्पष्ट प्रमाण है कि अब बदलाव है और कांग्रेस की सरकार आ रही है, भाजपा का खेल खत्म हो चुका है। ओम प्रकाश धनखड़ का जैसा आप मेरे से कहे हो, ओम प्रकाश धनखड़ और खट्टर साहब में उनको क्या आप कहोगे कि भाई खट्टर साहब के वो नहीं मानते क्या? धनखड़ खट्टर साहब से सलाह मशवरा नहीं करते, और जब खट्टर साहब बनाए गए थे मुख्यमंत्री, जब पता करो अब जो अपने शर्मा जी, रामविलास शर्मा जी के दिल पर क्या बीती, अनिल विज के दिल पर क्या बीती, उनसे पूछो किस तरह से अनिल विज बयान देते थे, ये मुझे बताने की ज़रूरत है। सारे क्या वो एकजुट हैं? सभी में थोड़ा बहुत अपने मतभेद होते हैं, अपनी पार्टी बड़ी पार्टी है ये वैसी तो है नहीं वन मैन पार्टी, जिसको चाहो उसको निकालो, जिसको चाहो रखो। जिस तरह से कांग्रेस का संगठन था, अशोक तंवर हटाए गए, कुमारी सैलजा को फिर इस्तीफा देना पड़ा, उसके बाद आपको जिम्मेदारी मिली है, संगठन आपने कहा कि हम जल्दी ही बना लेंगे, शायद आपने सितंबर तक का वक्त दिया कि हम सितंबर में अपना पूरा संगठन खड़ा कर देंगे, आसान लगता है आपको या फिर आपको नहीं लगता कि बहुत मुश्किल भरा कदम है संगठन बनाना? कोई मुश्किल भरा कदम नहीं है और सितंबर तक सारा ही जो ना वो जो आप कह रहे हो वो पूरा हो जाएगा। और जो अलग अलग जगहों पर रूठे हुए नेता हैं जो अपनी अपनी अलग अलग गुटों में लेकर कांग्रेस को चलते हैं, वो मान पाएंगे आपको? कोई सब मानेंगे, सब मान रहे हैं, सब मानेंगे और सभी मान रहे हैं, और मेरा किसी से मतभेद नहीं है, मेरी किसी से लड़ाई नहीं है, कोई मेरे बारे में कोई क्या सोचता है वो उनकी अपना सोचने का तरीका है, मैं सबसे बात करता हूँ, सबको बुलाता हूँ, मैंने इसमें भी खुद पर्सनली मैंने टेलीफोन किया था करण चौधरी को भी, उनकी बेटी को भी, उनको काम था अपने वहाँ पे प्रोग्राम उन्होंने अपने रखे हुए थे विधानसभा में, नहीं आ पाई तो वो एक अलग बात है, मेरा किसी से कोई मतभेद नहीं, मैं तो बहन जी शैलजा जी से भी, रणदीप जी से सबसे हमने बात की है। और जहाँ तक अशोक तंवर, ये कोई परमानेंट लिख दिया है, पार्टी जब तक चाहे जब तक रख सकती है, जो बदलाव चाहे बदलाव कर दिए, अशोक तंवर को 6 साल अध्यक्ष रखा, क्या उसके लिए ठेका लिख दिया गया सदाबंदा के लिए, उसको चेंज नहीं कर सकते, और कोई जिम्मेदार नहीं, चेंज किया तो उसको जो इस्तीफा दे देगा और दूसरी पार्टी में भाग जाएगा, अब कौन पूछता है? पहले TMC में गया, फिर अब आम आदमी पार्टी में गया, वहाँ भी गुठली मिली, वहाँ भी कुछ नहीं मिला,
आज मुझे जो ना कुछ भी कहा, अब अशोक तंवर को कोई पूछ रहा है कहीं है कहीं कोई ऐसे कोई एक विधानसभा अभी नहीं है उस पर चुनाव लड़ने के लिए। जहाँ तक बहन जी शैलजा है वो बनाई थी, वो रिप्लेस हुई, उन्होंने गर्मा के साथ अपने रिप्लेस हुई और यहाँ पर आई थी। जिस दिन मैंने कार्यभार संभाला, बातचीत हमारी होती रहती है, हर एक में सारा पूरा सहयोग करती है, किसी तरह के हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये कोई परमानेंट सीट थोड़ी है। जब तक हाईकमान पर मेरा विश्वास है, जिस दिन कहेंगे मैं उसी दिन हट जाऊंगा। तो ये कोई परमानेंट है। एक और सवाल की हरियाणा में हमेशा रहना है, हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा से है कांग्रेस या फिर कांग्रेस से भूपेंद्र सिंह हुड्डा है? कांग्रेस कांग्रेस है, कांग्रेस के सारे सिपाही हैं, कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं। हुड्डा साहब जन्मजात कांग्रेसी हैं, अंदर से कांग्रेसी हैं। कुछ तो ये बाहरी कांग्रेसी है, वो अंदर से कांग्रेसी है। उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ जाने का कोई सोचा नहीं कभी आज तक। जो है ना शुरू से वो तो जन्मजात कांग्रेसी हैं, फ्रीडम फाइटर परिवार से हैं। कितनी बार, 9 बार तो उनके पिताजी जेल में गए आज़ादी की लड़ाई के लिए। तो हुड्डा साहब के ऊपर अब ये तो सभी किसी पर भी आरोप लगाया जा सकता है। इसमें तो जिनको हम परमात्मा मानते हैं उनको भी नहीं बख्शा, ना राम को बख्शा, ना कृष्ण जी को बख्शा, ना किसी और को बख्शा। ये तो सामान्य व्यक्ति हैं। हुड्डा साहब पूरी तरह से कांग्रेस के, उनके अंदर कांग्रेस है, जन्मजात कांग्रेस ही। अच्छा, अभी आपने भाषण सुना होगा प्रधानमंत्री का लाल किले से, तो उन्होंने परिवारवाद को लेकर बहुत तल्ख लहजे में बात की कि देश का नुकसान किया है और परिवारवाद को खत्म करने के लिए अब मैं लोगों का सहयोग मांगता हूं। इससे ज्यादा बेशर्मी की बात हो सकती है? प्रधानमंत्री जो बोलते हैं उसका उलट काम करते हैं। एक कुलदीप बिश्नोई का परिवारवाद की उपज नहीं है, अनुराग ठाकुर किसकी उपज नहीं है, राजनाथ ठाकुर का बेटे उपज नहीं है। आप बताओ कौन सा परिवार है जो ये अभी ये सिंधिया, ज्योतिराव सिंधिया, वसुंधरा सिंधिया और वो सारे जो ना यशोधरा सिंधिया, क्या ये परिवारवाद नहीं है? परिवारवाद की क्या परिभाषा है? क्या गांधी इतना भयभीत क्यों है? गांधी परिवार से इतना भयभीत क्यों है? परिवारवाद की बात करते हैं, एक ही परिवार है। और कभी जो ना ये इनेलो से चौधरी देवलाल से गठबंधन किया, क्या वो परिवारवाद नहीं था? अकाली दल से गठबंधन किया, ये परिवारवाद नहीं है? जो वहाँ जम्मू कश्मीर में मुफ्ती मोहम्मद सईद की से पीडीपी से जो किया समझौता, क्या वो परिवारवादी पार्टी नहीं है? बताओ कि कौन सी परिवारवादी पार्टी का क्या है, क्या परिवारवाद का मतलब क्या है? परिवारवाद का ये समझा है ना। और महिलाओं की बात करते हो, महिलाओं का भी वो बिकलिस बानों के साथ में महिलाओं के सम्मान देने की बात है। आज़ादी के अमृतकाल में उसको जो सजायाफ्ते जो बलात्कार और हत्या के जो आरोपी थे उनको महिमा मंडन किया जा रहा है, उनको छोड़ा जा रहा है, उनको मिठाई खिलाई जा रही है, उनको फूलमालाओं से उनको सम्मानित किया जा रहा है, ये क्या है? ये प्रधानमंत्री हरियाणा की कानून व्यवस्था को लेकर आपका क्या कहना? अभी विधानसभा में भी काफ़ी मुद्दा उठा था और गृह मंत्री आंकड़े पेश कर रहे थे, आपके इस वक्त की सरकार के दौरान के आंकड़े पेश कर रहे थे और कह रहे थे कि सब कुछ ठीक है, विपक्ष सिर्फ वैसे ही आरोप लगाता, कुछ है नहीं कहने की। हरियाणा का जो कानून व्यवस्था है आज पूरी तरह से ध्वस्त है और कानून व्यवस्था ध्वस्त की वजह से ही यहाँ पर लॉ ऑर्डर की स्थिति की वजह से ही यहाँ पर उद्योग धंधे कोई नहीं लगाने को तैयार है। यहाँ पर तो पहली बार मेरे भी 36-37 साल की मेरी राजनीति खुद की हो गई और घर की तो बात छोड़ो, मैंने पहली बार देखा कि 6-6 विधायकों को जो जान से मारने की धमकी दी गई, फिरौती उनसे वसूली की गई, एक डीएसपी को, पुलिस भी सुरक्षित नहीं है, डीएसपी को उसमें अवैध माइनिंग में उसको बेरहमी से उसको कुचल दिया गया, बुलडोज कर दिया उसको पूरी तरह से। तो आज कानून व्यवस्था है कहाँ हरियाणा के अंदर? बेरोजगारी का मुद्दा, महंगाई का मुद्दा, क्या विपक्ष हल्का पड़ जाता है इन मुद्दों को उठाने में, सरकार को घेरने में? बिल्कुल भी हल्का नहीं पड़ता, हर चीज पर घेरते हैं। ये तो तानाशाही, इन लोकतंत्र की हत्या किए हुए ये सरकार, जो कोई मुद्दों को उठाता है उनके खिलाफ ये दूसरे हथकंडे अपनाते हैं, झूठे मुकदमों में फंसाने की कोशिश करते हैं। ईडीआई सीबीआई जो संवैधानिक जो संस्थाएं जो लोकतंत्र को बचाने के लिए संविधान में जो व्यवस्था की गई थी, आज उनकी क्रेडिबिलिटी पर प्रश्न उठ रहा है। आज क्या कारण है कि जो ईडी का जो 12 साल में 2002 से 14 तक 12 साल में 112 केस और 5,500 केस हो गए 8 साल में मोदी काल में, और सिर्फ 23 आदमी दोषी हुए हैं।
वो भी देख करके, और कोई बीजेपी के जो जो पहुंच जाता है वो वहां पर जाकर के गंगा नहा जाता है, वो शुद्ध हो जाता है वहां जाकर के। एक दो सवाल और है मेरे। अभी आपने काफ़ी प्रदर्शन किया था जब ईडी पूछताछ कर रही थी सोनिया गांधी से, तो कांग्रेस के सभी नेता हर राज्य में सड़कों पर उतरे, आप लोग भी उतरे थे, दिल्ली में तो जेल तक भी पहुंच गए राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, लेकिन हरियाणा में चंडीगढ़ में ऐसा लग रहा था कि आप लोग तैयार थे, बस आ गई है और जेल में जाने के लिए, यहाँ कोई संघर्ष नज़र नहीं आया। एक संघर्ष होता है कि पुलिस डंडे भी उठा लेती है, लेकिन पहले से तैयार लग रहे थे। पहले से तैयार इसका क्या मतलब, सारे सब जगह है, हमारे कितने ही साथियों को चोटें पहुंची हैं, दिल्ली में संघर्ष किया, यहाँ भी संघर्ष किया, मतलब जब तक लाठियां ना चले जब तक आप उसको नहीं मानते, लाठियां ना चले ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ नहीं, संघर्ष किया सबने, पूरा प्रोटेस्ट किया, पूरी तरह से सरकार को एक्सपोज किया। अब ये कोई तरीका थोड़ी, नतीजा तो सामने आएगा, सारा नतीजा क्यों नहीं निकलेगा। राहुल गांधी से 5 दिन पूछताछ रही, 54 घंटे पूछताछ रही, कुछ निकला सोनिया गांधी से जो इस तरह से क्या वो कोई मैटर है, ईडी का मैटर ही नहीं है, कोई लेन देन नहीं हुआ, मनी लॉन्ड्रिंग नहीं हुई, तो मनी लॉन्ड्रिंग का केस क्यों? ये सिर्फ बदनाम करने के लिए, और ये विपक्ष को बदनाम करने के लिए कांग्रेस पार्टी से ये इतने भयभीत हैं कि इनके नेताओं को किसी तरह से बदनाम करके इनको दबाया जाए। लेकिन कांग्रेस जब अंग्रेजों से नहीं दबी तो इन काले अंग्रेजों से क्यों दबी? तो कांग्रेस कर पा रही है सामना बीजेपी का और जवाब दे पाएगी पूरी तरह से? मजबूती से जवाब देंगे हर जगह, हर मोर्चे पर। जिस तरह से आज इन्होंने, चाहे वो मीडिया है, चाहे वो जुडिशरी है, चाहे ये इलेक्शन कमीशन है, आज जो सारी संवैधानिक संस्थाएं ईडी, सीबीआई, सीएजी, सारे बंधक बनाए रखे हैं सारे। मधुबन जी, हरियाणा में कांग्रेस का भविष्य वाकई में आपको लगता है कि बहुत उज्जवल है? और जिस तरह से आप दावा कर रहे हैं कि आने वाली हमारी सरकार है, तो वो किस तरह से मुमकिन होगी? क्या आप सबको एक साथ लेकर चल पाएंगे? सबको साथ में लेकर चलेंगे। जो इन्होंने पहले बरगलाया था मीडिया के जरिए, जो एक नैरेटिव तैयार किया था 75 पार कि जो लोग तो जो दिखाते हैं वो देखते हैं, और उस प्रेशर में कांग्रेस के नेता बताया कि 3 से 5 सीट दिखा रहे थे कांग्रेस के, और 78 से 83 सीट दिखा रहे थे बीजेपी की, और 40 सीट पर रह गई। अभी भी हमारे 15 आदमी ऐसे थे कि जो 4,000-5,000 3,000 से कम वोटों से जो आ रहे थे। इस वक्त आपकी प्राथमिकता क्या रहेगी कांग्रेस के लिए आने वाले दिनों में कि सबसे पहले अब मैं ये काम करने जा रहा हूँ? अब इन्होंने 4.5 लाख लोगों की पेंशन काट दी बुजुर्गों की, जो 1988 से चल रही पेंशन और वो सम्मान पेंशन थी बुजुर्गों की, इन्होंने अब इस अभी 1 महीने पहले 4.5 लाख लोगों की पेंशन काट दी। इनके पास क्या अब लगाया कि जो 1,80,000 रुपये कोई वैल्यू होती है, 1,80,000 रुपये एक साल की इनकम, एक चपरासी की भी, फोर्थ क्लास की भी 25,000-25,000 रुपये तो सैलरी होती है, जिसकी 15,000 रुपये हो वो उसके जो ना पेरेंट्स को बुढ़ापे की पेंशन नहीं दी जाएगी। ये इन्होंने सबके 4.5 लाख लोगों का, हमारी प्राथमिकता है कि उनको भी देंगे, और हमारी सरकार आने पर अगले महीने से ही 6,000 रुपये बुढ़े बुढ़ियों को पेंशन मिलेगी। बीजेपी 300 यूनिट हम बिजली करेंगे। बीजेपी जेजेपी का गठबंधन अच्छा काम कर रहा है, और कितना मजबूत नजर आता है आपको गठबंधन? ये तो जीरो हो गया जेजेपी वाले उसको ना, ये इनको बीजेपी के खिलाफ मैंडेट दिया था लोगों ने, ये जमुना पार की बात कर रहे थे, आज जेजेपी मजबूर है। बीजेपी ने इनको, इन्हें सब चीज में जेजेपी वाले हैं ज्यादातर मामलों में, चाहे वो रजिस्ट्री घोटाला है, चाहे शराब घोटाला है, चाहे चावल घोटाला है, चाहे धान घोटाला है, सब में खनन घोटाला है, इनकी फाइलें इतनी तैयार हो गई हैं कि ये छोड़ कर नहीं जा सकते बीजेपी को, और जनता में इनकी क्रेडिबिलिटी शून्य हो गई है। बहुत बहुत शुक्रिया उदय भांजी, धन्यवाद सारे सवालों के जवाब देने के लिए, और बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से बातचीत आगे बढ़ती रही। आप बने रहें खबरें अभी तक के साथ, यहाँ खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।